आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने मुलाकात की है। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और दीगर अहम अमूर भी ज़ेर गौर आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर ब्राय हाउसिंग एंड वर्क्स तारिक बशीर चीमा ने ये अहम मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल जानते हैं, टीका खानसानी हमारे साथ मौजूद हैं। टीका, बताइएगा क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान से आज वफाकी वजीर ब्राय हाउसिंग एंड वर्क तारिक बशीर चीमा ने मुलाकात की है। ये मुलाकात वजीर आजम हाउस में वजीर आजम के ऑफिस में हुई है, जिसमें मुख्तलिफ वजारत के अमूर पर बातचीत की गई। इसके अलावा चूंकि तारिक बशीर चीमा इत्तेहादी जमात के वफाकी वजीर है और यकीनन उनकी गुज़िश्ता दिनों प्रेस का एक मीडिया इंटरव्यू में भी उनका एक मौकफ सामने आया था, उस हवाले से भी अमूर जो है वो भी कंफर्म तो नहीं हुआ कि उस वाले से जेरे बहस आए हैं, लेकिन जरा ये कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान उस पर भी बात करने के ख्वाहां थे। लेकिन आज ओवरऑल मजमूई तौर पर जो इत्तेहादी जमात है उसके हवाले से मौकफ उन्होंने सामने रखा। इसके साथ साथ वजारत की जो अमूर है, खासतौर पर वजारत हाउसिंग एंड वर्क है, उसके अमूर ज्यादातर जेरे बहस लाए गए और उस पर जो पेशरफ्त है, मुख्तलिफ जो काबीना के फैसले थे उस पर भी बातचीत की गई। इसके अलावा मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है, पार्लियामानी सियासत के ऊपर बात की गई है, जो अपोजिशन की जो अपोजिशन का मौकफ है हुकूमत के खिलाफ बढ़ती हुई तनकीद यकीनन उसके काउंटर के ऊपर बातचीत की गई है। तो यूं एक खुशगवार माहौल में ये एक अच्छी मुलाकात रही वज़ीर आज़म हाउस में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया टीका खानसानी, आपने इस बारे आगाह किया।